सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 4 एसएस की। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें? किताबें जो होती हैं वो किसी के अतीत के बारे में बताती हैं कि उनका अतीत कहता था। पुराने समय के अंदर जितने भी लोग होते थे वो शिलालेख वगैरह लिखते थे और पुस्तकें लिखते थे, किसी की ज़िंदगी के बारे में पता चलता था। खबरें, जितने लोग पुराने जिनकी मृत्यु हो गई उनकी बनी हुई जो कब्रें हैं वो उनके बारे में बताती थी कि वो अतीत में कैसे थे, कौन से धर्म से संबंध रखते थे और उनको संस्कार किस प्रकार किया जाता था। मुसलमान लोग कब्रों में दफनाते थे। ऋषियों ने ऋग्वेद की रचना वैदिक प्रार्थनाओं के रूप में की थी। इन प्रार्थनाओं को अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों में बाँट कर इनका श्रवण तथा उच्चारण किया जाता था। इन्हें कागज पर नहीं लिखा जाता था इसलिए इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन आजकल की पुस्तकें कागजों पर छपी हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। पुरातत्ववेदियों को कभी कभी एक कब्र की अपेक्षा दूसरी कब्र से अधिक तथा मूल्यवान वस्तुएं मिली। ब्रह्मगिरी की एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। कई कब्रों में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन और कंकालों के साथ पाए गए। कब्रों में पाई जाने वाली वस्तुओं में अंतर तथा वहां दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कुछ लोग धनी तथा कुछ लोग गरीब थे।